बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। हम यूनिट 9 कर रहे हैं, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, सब कुछ नहीं खोया, उसका सेकंड पोर्शन है। वन डे स्टैंडिंग एट द बेड साइड ऑफ यंग बस एक्सीडेंट विक्टम, आई वंडर्ड इफ शी could make the same recovery as others। अब हम इसके मुश्किल मानी देख लेते हैं। Standing, it is a noun, खड़ा होना, position। Bedside, noun, the space beside a bed, पलंग के साथ जगह। और victim, a person harmed, injured, वो बंदा जो जिसको चोट लगी हो, मजलूम। Wonder, डिज़ायर टू नो समथिंग, फील क्यूरियस, हैरान होना। एक दिन बस के हादसे का शिकार होने वाली एक नौजवान लड़की के पास हैरान खड़ी थी कि क्या ये भी दूसरों की तरह सेहतयाब हो सकेगी। हिरा वा हैड रिसीव्ड सीवियर हेड एंड स्पाइनल इंजरीज एज शी वाज हिट बाय अ स्पीडी बस वाइल क्रॉसिंग अ बिजी रोड। स्पाइनल और हेड, हेड कहते हैं जिसके अंदर सर, जिसके अंदर हमारा ब्रेन होता है जो कि बहुत नाजुक होता है, और इसी तरह जो वर्टिब्रल कॉलम है इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है जो कि हमारे आसाब का एक जाल बिछा हुआ है जो दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जिस्म के हर हिस्से तक पहुंचता है। हिट, चोट लगना, तो उसको नौजवान लड़की को गाड़ी क्रॉस करते हुए चोट लगी। हिरा सर और रीढ़ की हड्डी की चोटों में मुब्तला थी क्योंकि वो एक मसरूफ सड़क पार करते हुए तेज रफ्तार बस से टकराई थी। आई took her lifeless arms in my hands and tried to do several exercises on her but in vain। lifeless, बेजान, dead or apparently dead। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है, वो ही मौत देगा और हमें उसी की तरफ पलटना है। तो असल में ज़िंदा रहते हुए हमें अपने आप से सवाल पूछना चाहिए, क्या अल्लाह एग्जिस्ट करता है? अगर अल्लाह एग्जिस्ट करता है तो उसे हमारे मामलात में भी मुदाखलत होनी पड़ती है। जैसे अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहता है कि जो दिन रात का आना है और जो कश्तियों का चलना है, इसमें तुम्हारे लिए निशानियां हैं। किन लोगों के लिए? जो उस पर अक्लमंद हैं, जो गौर व फिक्र करते हैं। तो गौर व फिक्र तभी किया जा सकता है जब कोई चीज़ समझ में आए। तो कुरान को समझ कर पढ़ें, अपने इर्द गिर्द फैली हुई निशानियों पर गौर करें। अगर हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं तो फिर हमें सच बोलना चाहिए, एक अपनी ज़िंदगी में से झूठ को निकाल दें, अपने आप से सच बोलें, अपने माँ बाप से सच बोलें, अपने माशरे में सच बोलें, सच के अलावा कोई बात ना करें। और दूसरी बात, अगर हम अपने नबी पे यकीन रखते हैं, हम सबको ये हदीस आती है सफाई निस्फ ईमान है, तो फिर हमें अपने हाथों को रोकना होगा कि हम कचरा नीचे ना फेंकें बल्कि सिर्फ डस्टबिन में फेंकें। तो एक सफाई अमलन सफाई पसंद बने और झूठ को अपनी जिंदगी से निकाल दें। इन वेन का मतलब होता है विदाउट सक्सेस आर आर रिजल्ट, बेकार में। अगर हम ये दोनों काम नहीं करेंगे, यानी झूठ बोलना नहीं छोड़ेंगे और सफाई का ख्याल नहीं रखेंगे, तो हमारी कोई कामयाबी नहीं है। मैंने अपने हाथों में उसके बेजान बाजू उठाए और मुख्तलिफ वर्जिशें करवाने की कोशिश की मगर बेकार साबित हुई। आल्सो आई मेड हर यंगर सिस्टर कम एंड टॉक टू हर थिंकिंग दैट वॉइस ऑफ अ नियर एंड डियर वन माइट एक्टिवेट द नियरली डेड न्यूरॉन्स। उसके अलावा मैंने उसकी छोटी बहन को बुलाया कि वो उससे बात करने आए, ये सोचकर कि उसकी नज़दीकी और प्यारी आवाज़ सुनकर उसके तकरीबन मुर्दा न्यूरॉन जाग पड़े। शी कुड सी बट नॉट टॉक, वो देख सकती थी लेकिन बोल नहीं सकती थी। हर आईज शोड
certain helplessness. Helplessness, inability to defend oneself or to act effectively. बेबसी, मजबूरी. उसकी आंखों में एक मखसूस लाचारी दिखाई दी. I could read her mind through her eyes. Perhaps he wanted to say, please help me. माइंड जो है वो कहते हैं दिमाग को, द फैकल्टी ऑफ कॉन्शियसनेस एंड थॉट, जो हमें अकल अल्लाह ने अता की है. मैं उसकी आंखों से उसकी दिमाग की कैफियत को पढ़ सकती थी. शायद वो कहने की कोशिश कर रही थी कि इब्राहिम मेहरबानी मेरी मदद करें. उम्मीद है आज का लेसन आपको पसंद आया होगा. इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो